नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पिक्सल एलईडी के वायरिंग के बारे में। बहुत लोगों ने पिक्सल एलईडी खरीदा दिवाली के लिए भी और भी बहुत सारे फंक्शन के लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वायर पतला लगा दे रहे हैं, वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, कुछ लोग वायरिंग गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो मैंने भी छत पे दिवाली के लिए लगाया था, तो मैं सोचा थोड़ा आप लोग को शेयर कर दूँ। वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 2-3 मिनट का है, मैंने शूट किया है उसको छत पर जाके, क्योंकि छत पे प्रॉपर सब कुछ होता नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल में बता सकूं, क्योंकि उतना स्पेस भी नहीं था वहाँ पे। तो मैं जो भी किया हूँ थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 2 SMPS मैंने यूज किया है, 70-70 एम्पियर का, 1 T1000 यूज किया है, उसके बाद आपको 2000 पिक्सल यूज किया है मैंने छत पे लगाया है और डेकोरेशन के लिए, ठीक है, और 2.5 mm का कॉपर वायर यूज किया है। तो उसमें कैसे कैसे मैंने कनेक्शन किया है और भी डेटा कैसे जोड़ा है, तो ये सब चीज़ देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग वीडियो। आ गए हम लोग हार्डवेयर सेक्शन पे और हम लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 2000 LED लगाया है, उसका वायरिंग कैसे किए हैं और कौन कौन सा SMPS कंट्रोलर यूज किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा T1000 रखा हुआ है, यहाँ एक SMPS रखा हुआ है और एक मैं SMPS आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक यहाँ लगा रखा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने क्या किया है कि SMPS से 2 तार निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि V प्लस और V माइनस लिखा हुआ है। V प्लस में रेड कलर का वायर, V माइनस में ब्लैक कलर का वायर, और LN लाइव और न्यूट्रल में प्लस माइनस दे दिए हैं, ठीक है। और एक प्लस माइनस का तार SMPS एक T1000 कंट्रोलर को भी चाहिए, तो वो मेरे T1000 कंट्रोलर को ग्राउंड को माइनस वाले में और भी 5 वोल्ट को भी प्लस वाले में जोड़ दिया है। और यहाँ से एक डेटा वायर लेकर के, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेटा वायर लेकर के फर्स्ट पिक्सल में, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैंने फर्स्ट पिक्सल में जोड़ा है। फर्स्ट पिक्सल मेरा यहाँ से स्टार्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कनेक्टर लगा दिया है, मेल फीमेल कनेक्टर आता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सीधा नीचे गया है, नीचे गया है, और ये दूसरे लड़ी से कनेक्टेड है, दूसरे लड़ी के जॉइंट से कनेक्टेड है। अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूँ तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्टेड है। और मैंने इसलिए रस्सी पे लगा रखा है क्योंकि इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं तो इसका वायर ख़राब हो जाता है। और मैंने इसको एस कनेक्शन में कनेक्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं कि दो लड़ी का यहाँ पे जॉइंट है। तो पहला पिक्सल का एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 2 एक्स्ट्रा वायर है उसको ऊपर में जोड़े हैं और इसके लास्ट में दूसरा लड़ी प्लग हो गया है। तो दूसरा लड़ी जैसे प्लग होगा उसका जो 2 एक्स्ट्रा वायर है वो नीचे चला जाएगा, ये पार्ट मेरा नीचे। ये पिछले बार भी मैंने एक वीडियो बनाया था, पिछले साल भी दिवाली के पे, तो मैंने 1000 लगाया था, लेकिन इस बार मैंने बिल्डिंग पे 2000 लगाया। तो नीचे कर लेते हैं फिर से। और यहाँ जो वायर यूज किए हैं दोस्तों पावर सप्लाई के लिए, मैंने यहाँ पर 2.5 mm का यूज किए हैं और पावर सप्लाई 2 70 एम्पियर का मैंने लगाया है। ठीक है, ये मेरा पहला लड़ी हो गया, यहाँ पे डेटा स्टार्ट किए। ये दूसरा लड़ी, दूसरे लड़ी को पहले के लास्ट से जोड़ दिए हैं और दूसरे का डेटा को उठा के तीसरे का फर्स्ट में जोड़ना है। तो तीसरे का फर्स्ट, ये जो 2 एक्स्ट्रा वायर है वो आ गया और मेरा यहाँ पे डेटा पहुँच नहीं रहा था, तो एक एक्स्ट्रा वायर के हेल्प से इसको जोड़ दिए। ये अभी खोलने में खुल गया था। जैसे इस दोनों को कनेक्ट किया वैसे ही तीसरे को भी इसके इससे लास्ट से दूसरा का फर्स्ट कनेक्ट हो गया और फिर इसका लास्ट जो है यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। और जो रेड वाले वायर को यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे कनेक्ट कर दिए और वाइट वाले वायर को यहाँ माइनस वाले से कनेक्ट कर दिए। फिर इसका डेटा जो है इसमें चला गया, इस वाले में चला गया, और फिर ये वाला लड़ी जो है दूसरे के साथ जैक टू जैक मेल फीमेल से कनेक्ट हो गया।
और हम क्या किए थे, ये जो आप पिक्सल देख रहे हैं एक उल्टा लगाए हैं और एक सीधा लगाए हैं। तो हम क्या किए हैं, ये जो एलईडी स्ट्रिप लगवाए हैं तो उस समय ध्यान रखे हैं कि एक का जो है ये जो दो एक्स्ट्रा वायर है ये इस डायरेक्शन में नीचे क्यों जाए और दूसरे का जो है नीचे से ये केबल टाई लगवाएं ताकि दोनों जो है मेरा एलईडी का डायरेक्शन सेम हो, क्योंकि एक लड़ी उल्टा और एक लड़ी सीधा लगाना होता है। तो एक लड़ी उल्टा सीधा, एक लड़ी उल्टा सीधा करके ऐसे पूरा जैक टू जैक आपका एस कनेक्शन बना हुआ है, पूरे 2000 एलईडी का सेटअप। यहाँ से यहाँ तक पूरा ही ऐसे ही सेम टू सेम कनेक्शन किया हुआ है। वैसे ही आपका 1000 एलईडी हुआ ख़त्म, तो मैंने एक दूसरा एसएमपीएस लगाया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक और एसएमपीएस लगा दिया है। तो यहाँ भी वही वी प्लस वी माइनस से जोड़ करके यहाँ पे कहीं बीच में कनेक्ट कर दिए हैं। मैंने क्या किया, उसी पॉजिटिव लाइन में कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, उसी पॉजिटिव लाइन में इसको भी कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से इसको पावर लास्ट तक पहुँच गया है। अगर मेरा तो यहाँ डिस्टेंस कम था इसलिए मैंने क्या किया है, एक ही वायर पावर सप्लाई का निकाला है। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो, ज़्यादा लंबा हो, तो पावर सप्लाई से दो पॉइंट निकालेंगे, एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा। मान के चलिए मैंने यहाँ 40 लड़ी लगाया है, तो आप एक पावर सप्लाई को बीच में रखेंगे, 10 इधर लड़ी डालना है, 10 इधर डालना है, फिर दूसरों के उधर रखेंगे बीच में, 10 इधर डालना है, 10 इधर डालना है। तो इस टाइप से कनेक्शन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, जैक टू जैक कनेक्शन करना है। और आपका ज़्यादा दूर कंट्रोलर, अगर ज़्यादा दूर लगाते हैं फ्लिकरिंग आ रहा है, तो डेटा के साथ ग्राउंड भी ले लें, क्योंकि मेरा यहाँ ग्राउंड ये इससे कनेक्टेड है, इसलिए डेटा के साथ ग्राउंड ये वाला ही एसएमपीएस वाला ही ग्राउंड काम कर जा रहा है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ा। अगर ट्रबल हो तो ग्राउंड भी ले जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके जो भी डिज़ाइन है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे कैसे डिज़ाइन है, तो आप लोग देखिए।